ये वो वेबसाइट है जिसका हम ऑडिट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्क्रीमिंग फ्रॉग ओपन करते हैं, साथ ही जीटी मैट्रिक्स, गूगल मोबाइल फ्रेंडली टूल, गूगल पे स्पीड, वो पबजी वाला काम कोई और करते हैं भाई। अच्छा जी, ऑडिट स्टार्ट करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग में, और यहाँ से टेस्ट, ठीक, फिर पे स्पीड। आवाज़ ठीक आ रही है आप सब लोगों को? अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो बता दें। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, सबसे पहले रिपोर्ट, उसके बाद वालेकुम अस्सलाम अरबाज साहब, उसके बाद सर्व्स के लिमजेस देखेंगे, 91 है। चलिए, उसके बाद ऑप्टिमाइज इमेजेस 99। बाकी सारा कुछ मुझे ठीक लग रहा है। CDN, CDN भी यूज किया है भाई ने, सही है। पे स्पीड भी, यस। यहाँ पे नो, कंपेटिटर्स की लिस्ट नहीं है, जरा से इग्नोर। उसके बाद होस्ट फॉन्ट्स ऑफलाइन, तो फॉन्ट्स नहीं हुए। उसके बाद देखते हैं कि रीडायरेक्ट सही हो रहा है या नहीं। HTTP स्टेटस, .io, ठीक है। अच्छा जी, चारों वर्जन्स हो गए। अब यहाँ से पोस्ट लिंक, ट्रेलिंग स्लैश WWO, नॉन WWO, नॉन WWO,
HTTP और HTTPS, ये टोटल 6 वर्जन होते हैं एक वेबसाइट में, जो कि डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ ठीक है इधर, ये सबसे कॉमन मसला है। तो बेसिकली होना ये चाहिए था कि ये जो फर्स्ट रीडायरेक्ट है ना, इसके बाद ये डायरेक्ट WWO के ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ से मसला ये हो रहा है कि HTTP से वो सेकंड स्टेप में HTTPS के ऊपर जाता है, फिर वो WWO पे जाता है। हाँ जी, कंटेंट को भी करेंगे। अच्छा, इस वजह से ये एक्स्ट्रा रीडायरेक्ट जो है, इसे ख़त्म करना पड़ता है। तो इसे ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि इसके लिए कस्टम कोड हम ऐड कर सकते हैं, जो हमारी htaccess फाइल होती है उसमें। फेविकॉन इसका इतना खास नहीं है नजर में। है तो सही। यस, रिपोस्ट RTXT। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे शुरू में साइट मैप भी आना चाहिए था। एम्प नहीं यूज हुआ। रेकमेंडेड वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। यस, उसके बाद अबाउट अस पेज। नीड्स इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे टीम मेंबर्स भी इंक्लूड होने चाहिए। मतलब परफेक्ट अबाउट अस वो है जिसमें टीम मेंबर्स भी हों, और इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी कम लग रही है मुझे। कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक। प्राइवेसी पॉलिसी, एक डिस्क्लेमर। अच्छा, वैसे ये डिस्क्लेमर की जरूरत नहीं होती, टर्म्स ऑफ सर्विस होना चाहिए। साइट मैप ऐड नहीं है, होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगो लोगो भी ना होने के बराबर है। नॉट प्रोफेशनल लिख रहे हैं।
वैसे ये चीज़ हम जो स्क्रीमिंग फ्रॉग होता है उसके उससे भी देख सकते हैं। यहाँ से अगर सॉर्ट बाय 301 रिट्रैक्ट करें तो हमें पता चल जाता है। अब ये एक मसला आ रहा है। अब ये देख सकते हैं कि सारे पेजेस ने नॉन WWW वर्जन के साथ लिंक किया हुआ है, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक, और जरा फोर इश्यूज हैं, उसके अलावा कोई इतनी खास चीज नजर नहीं आ रही। मतलब SSL के इश्यूज नहीं है, वो सिर्फ दूसरे इश्यूज हैं। इसके बाद साइट मैप तो होगा, क्योंकि वो चेक किया ऑलरेडी हमने। Reboss.txt का इशू ये है कि वो शुरू में ना साइट मैप भी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें, इन दोनों का डिफरेंस चेक करें। असल तरीका ये है कि शुरू में साइट मैप भी होना चाहिए। अब वो आपने साइट मैप नहीं लिखा शुरू में। अच्छा जी, अरबाज साहब ने टिप दी है, थैंक्स फॉर द टिप। यार ये वैसे मुझे ये ऑब्वियस यूज़ कर रहा हूँ, और इसका ना मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं है कि इसमें कोई जूम का सिस्टम है या नहीं। अच्छा जी, साइट मैप डॉट XML। अच्छा, एक और भी मसला मुझे नजर आया इसका। अब ये देखें, इसने साइट मैप डॉट XML लिखा है, और असल जो साइट मैप का लिंक है वो ये है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, मतलब इनकोरेक्ट URL है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और साइट मैप नहीं है। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, यस, सोशल मीडिया आइकन्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, ट्रस्ट फैक्टर है, होना चाहिए। उसके बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट भी ठीक है इसमें, अगर वो इसको कंप्लीट कर दें ऑल राइट्स रिजर्व्ड, तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद डायरेक्टरी पेजेस चेक करते हैं। इन URL इक्वल टू WP-company, तो डायरेक्टरी पेजेस नहीं है। अच्छा, ये चीज़ आपने देखी होगी, ज़्यादातर ये आप गूगल ब्रेड क्रम शो करवाता है। जो सबसे पहले चीज़ वो ये कि इसे 100 पे सेट करना है, और दूसरी चीज़ साइन करना है रिमूव ब्रेड क्रम्स। तो इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ब्रेड क्रम्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं।
डायरेक्टरी पेजेस WP डैश नहीं है, टैग्स नो, प्रोडक्ट टैग नो, ऑथर नो होना चाहिए। ट्रस्ट फैक्टर है, उसके बाद अकाउंट पेजेस ये वो कॉमर्स नहीं है, इस वजह से नो। मीडिया अटैचमेंट पेजेस इन्हें मैनुअली देखा जा सकता है, डबल स्लैश वाले यूआरएल तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा वैसे, नहीं है। अच्छा जी, रैंकिंग ट्रैक, वैसे सच बात बताऊं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टूल चेक किए हैं सरपोर्ट, और कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे, सबके गलत ही लग रहे थे आजकल। तो अब तो ये जो एक्सटेंशन है उसके ज़रिए चेक कर रहा हूँ मैं। एम्प्टी, तो यहाँ से HTML सेट करेंगे और वर्ड काउंट पे सॉर्ट कर देंगे इसे। वर्ड काउंट तो ठीक लग रही है काफी हद तक। अच्छा जी, इंटरनल लिंकिंग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा की हुई है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है काफी हद तक। नो पैरामीटर्स वाला मुझे तो एक यूआरएल नजर आया है, और वो ये है। कैटेगरी यहाँ से कैटेगरी के यूआरएल रिमूव कर दें, काम यूआरएल। उसके अलावा ये जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है इसे रिमूव कर दें तो बेहतर है। उसके बाद जो तीसरी रिकमेंडेशन है वो ये कि ऐड एटलीस्ट 200 यूनिक वर्ड्स। अच्छा, उसके बाद सॉरी ये गलत जगह चला गया। अच्छा जी, उसके बाद डेट,
डेट देखते हैं, 2020, 19, ये एक यूआरएल में आ रही है, लेकिन ये डेट अर्काइव नहीं है। डेट अर्काइव और चीज़ होती है, वो पोस्ट नहीं होते उसमें, बेसिकली ये 2019/10 के आगे ख़त्म हो जाना था। तो ये पेज है, नोटबुक कॉम्रेस। उसके बाद 301 रिट्रैक्ट्स इंटरनल, दो हैं, 404, वो भी दो हैं। यहाँ से URLs, अपर केस 0, अंडरस्कोर 0, ओवर 0। अब एक्सटर्नल देखते हैं, 404 वाले दो हैं और 301। जीरो ए टाइटल मिसिंग, जीरो डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट वाला काम खराब है, सबके एक ही रखे हुए हैं। अच्छा, ये टैग क्रिएट किए हुए हैं लेकिन इन्हें इंडेक्स नहीं किया हुआ। बेहतर तो यही है कि इसे रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद ओवर 60, 9, बिलो 31, मल्टीपल 0, इनकंसिस्टेंट मतलब स्पामी, डबल यूज़ किया गया हो कोई वर्ड, तो लगता सारा कुछ ठीक ही है यहाँ पे। नो, ओवर ऑप्टिमाइज्ड, नेचुरल ही है सारे। ओवर ऑप्टिमाइज्ड में मतलब कीवर्ड जो है वो स्टफिंग की गई हो। डिफरेंस के लिए वो काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग 0 कर देंगे। कैटेगरी ऑप्टिमाइज नहीं की हुई, अगर ऑप्टिमाइज की गई होती तो फिर इन्हें भी इंक्लूड करना था। उसके बाद डुप्लीकेट 5 है, ओवर 155 4 है, बिलो 70 0 है, मल्टीपल 0, H1 मिसिंग 0, डुप्लीकेट 0 ही आएगा, 0। टू, इसके बाद इमेजेस, टू 50 से ज्यादा दो ही हैं, इकत्ती के आल्ट मिसिंग है, 0 इमेजेस यूआरएल्स। अच्छा, कुछ लग तो रहे हैं मुझे जो ऑप्टिमाइज नहीं किए,
इसके बाद कैनोनिकल टैग्स, ठीक, कैनोनिकलाइज, जीरो, मिसिंग, आइम पे नहीं होते, जीरो। ये जो कुछ चीजें आप देख रहे हैं ना, मतलब वो अवेलेबल भी हैं, मैं जीरो लिख रहा हूँ, वो असल में पेजेस नहीं है, वो अर्काइव्स हैं, कुछ डायरेक्टरी अर्काइव्स हैं, कुछ टैग अर्काइव्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट उन पेजेस पे नहीं होती, तो इस वजह से अगर हम इनकी अमाउंट लिख भी दें तो उसका फ़ायदा नहीं है। मतलब जिसको हमने ये सेंड करना है ना, वो किसी तरीके से इसको फिक्स नहीं कर सकता, और ना ये फिक्स की जा सकती हैं, और ना इन पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है। उसके बाद नॉन इंडेक्सेबल ज़ीरो है। उसके बाद स्ट्रक्चर डाटा, स्ट्रक्चर डाटा के लिए करनी पड़ेगी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन एडवांस्ड, और यहाँ से एक्सट्रैक्शन, जेसन, गूगल, दोबारा से स्टार्ट। चलें देखते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो। अच्छा जी, मज़ा आ गया, ठीक। वैल्यू काफ़ी चीज़ों पे होती है, एक तो डोमेन लेवल रेलिवेंस होती है, फिर आर्टिकल लेवल रेलिवेंस, फिर उसकी कैटेगरी लेवल रेलिवेंस, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। क्या सबके एक रखा हुआ मतलब है, टेम्पलेट की शायद आप बात कर रहे हैं। वैसे वू कॉमर्स वगैरह में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ज़्यादातर ये जो वेबसाइट होती हैं इनमें बेसिकली होती तो सेम चीज़ें ही हैं। थैंक यू साहिल भाई, और वालेकुम अस्सलाम ए आर स्किल लर्निंग। अच्छा, डू यू डू वन ऑन वन कोचिंग, आई वेबसाइट अटैच विद दिस यूट्यूब चैनल। ओ ट्रू, बेटर हेल्थ। अभी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह की चीज़ें सोचेंगे। ये भाई याद तब रहेंगे जब आप इसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। उधर यूट्यूब सॉरी फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, उधर पोस्ट करें, फ्री ऑडिट्स दें लोगों को, बड़ी काम की चीज़ है ये। टेक्निकल एसईओ इंसान को आती हो ना, तो बंदा पेनल्टी से बच जाता है। जितने भी एसईओज हैं, आज ही मैं वो मैड डिग्री का देख रहा था वेबिनार, वो बता रहा था कि उसने ऑडिट वगैरह किए हैं वेबसाइट के, जितने भी वेबसाइट की को थोड़ी बहुत रैंकिंग लो हुई है वही अपडेट से, उसने सबकी रिकवर कर लिया और इम्प्रूव भी कर लिया। तो अगर आप टेक्निकल एसईओ को मास्टर कर लें, तो आपकी वेबसाइट कभी नहीं पेनलाइज होगी, और आप हमेशा दूसरों से आगे रहेंगे। ये अमीर हमजा साहब, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं जब ये वेबसाइट क्रिएट होती है तो तब भी होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट्स ने खड़ी की हो वो वेबसाइट ट्रांसफ़र करते हुए, या वो जो वेब डिवेलपर जिसे एसईओ का नॉलेज नहीं, वो क्रिएट करते हुए इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हाँ जी, अच्छी बात है सईद फैक साहब। ए आर स्किल्स लर्निंग साहब, असल में मैं ना वो 2-3 दिनों से थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कोई किए हैं 20, ओ सॉरी, कोई 150 तक क्रिएट किए हैं 2 दिनों में, तो वो 2 दिनों से लगातार लगा हुआ है मैं इन्हें क्रिएट करने में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक सारे क्रिएट हो जाएंगे, फिर दोबारा हम डेली प्रोसेस पे जाएंगे, हर रोज़ की 4-5 ट्यूटोरियल्स। मेरा प्लान तो है विकिपीडिया बैकलिंक क्रिएट करने का, और एडवांस डोन पे जैसी हो के कुछ ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, उसके साथ साथ टेक्निकल ऐसी अभी तक सारी खाली पड़ी है, उसके कोई 20-25 बनाने हैं। अब ये ट्रू हेल्थ यार, सोने को तो बंदा रैंडमली सो जाता है, मतलब अभी वो
8 बजे के पहले मैंने कहा था, लेकिन वो मैं 7 बजे आंख लगी है और जब उठाऊँ देखे 10 बज गए थे। इस तरह करके 2 2 4 4 घंटे कार के बंदा नींद पूरी कर लेता है। बिजनेस वेबसाइट के लिए यूज़ कर लें, लेकिन गूगल अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है और उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो आप पकड़ लेती है आप अगर जितना भी स्पिन करें। अच्छा, एआर स्किल लर्निंग, आप शायद गेमिंग डायरी की बात कर रहे हैं। वो रैंकिंग सारी ठीक हो जाएगी अगर हम एक दो गेस्ट बॉस ले लेना, तो फिर तो 2 दिनों में फर्स्ट पे आ जाएगी। साहिल सलमानी साहब, स्क्रीमिंग फ्रॉग की मैंने रिसेंटली कल शायद पोस्ट की है, और टेम्पलेट जो है वो भी आपको मिल जाएगी। टेम्पलेट वो जो आप मेरा रिसेंट ट्यूटोरियल है वहाँ से इसका लिंक ले सकते हैं। ऑडिट जो होता है ना, ऑडिट में बेसिकली हम प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, फाइंड करके देते हैं। ऑडिट के बाद ये जो इन सारे मसले हैं ना, इन्हें फिक्स करने का हम अलग चार्ज करते हैं। मतलब कि ये हमने नहीं फिक्स करनी होती, इसके हर एक इशू के हम बेसिकली, अब चेस रेनर जो है वो इसके $700 चार्ज करता है इन इश्यूज को फिक्स करने के। इश्यूज फिक्स करने के लिए मैं वो एक एक करके ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। इनको अगर फिक्स किया जाए तो करने को कर भी सकते हैं, इस वक्त मैं लाइव कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इसकी लॉगिन डिटेल्स नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि लॉगिन डिटेल्स लेके ना, तो फिर इन्हें लाइव फिक्स भी करूँ। यार कोई होंगी को 2 3 अभी तक, और भी लॉन्च करनी है हमने। इस टाइम जो है हम ऑफिस बिल्ड कर रहे हैं, तो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा जी, स्क्रीमिंग फ्रॉग। अब चलते हैं स्ट्रक्चर डाटा की तरफ। सेवेंटी 3। अच्छा जी, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें मैं इन्हें लाइव फिक्स भी करूँगा, और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह वो हम काली करें। अच्छा, इसमें स्कीमा की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मिस की गई हैं। FAQ स्कीमा यूज़ किया जा सकता है, हाउ टू स्कीमा यूज़ किया जा सकता है। मिसिंग 0 है। इंटरनल लिंकिंग में पैरामीटर्स देखेंगे अब। पैरामीटर्स नहीं नजर आ रहे और इसलिए हम करेंगे ना ट्रेलिंग स्लैश, कोई ऐसा यूआरएल जिसके एंड पे स्लैश ना हो। सारे ठीक लग रहे हैं मुझे तो। नो इश्यूज। नो इश्यूज। मीडिया प्रोफाइल्स हैं ही नहीं। इन यूआरएल, माइनस इन यूआरएल। कोई इश्यूज नहीं है। इसके अलावा इसे लिखते हैं,
जी, कोई इश्यूज नहीं। उसके बाद लॉरम इप्सम, लोरम इप्सम हम इसलिए सर्च करते हैं कि जो ज़्यादातर न्यू वेबसाइट में जब डेमो वगैरह इंपोर्ट किया जाता है तो वो लोरम इप्सम होता है उसमें बहुत ज़्यादा। मतलब ये, इसका मतलब यही है कि रैंडम सा टेक्स्ट जो सिर्फ जगह फिलअप करने के लिए ऐड किया गया, तो वो जो है एसईओ के लिए ठीक नहीं, इस वजह से हम उसे रिमूव करते हैं। माइनस इन टाइटल, ये एक पेज आया है और ये भी कैटेगरी है, नो इश्यूज। फाइल टाइप फाइल टाइप आप HTML PDF वगैरह सर्च कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो ये जो हैं, ये चीज़ें बड़ी वेबसाइट्स के लिए हैं। इन टाइटल 2019 इन यूआरएल, इन टाइटल सर्च, ये डुप्लीकेट जो है ये ज्यादातर कॉपीराइट के जरिए देखते हैं। अच्छा जी, नो डुप्लीकेट्स, नो अदर साइट्स, सीक्रेट पेजेस, यहाँ से हम देख सकते हैं। ये भी बड़ी वेबसाइट के लिए है। उसके बाद आप रैंडम चीज़ें टेस्ट करते हैं कि वो वर्क करती हैं या नहीं। नो इश्यूज, स्क्रीमिंग फ्रॉग में देखते हैं अगर हमें कुछ न्यू चीजें नजर आ जाएं। अच्छा, ये कुछ रीडायरेक्ट के इश्यूज ही हैं, इसके अलावा तो कोई इतनी खास चीज नजर नहीं आ रही। ये कुछ यूआरएल के इश्यूज रैंडम से नजर आए हैं जो होने नहीं चाहिए थे। उसके अलावा टैग्स, प्रपोज्ड RTXT, इसमें भी नथिंग वियर्ड। पीएचपी और होम पेज प्रॉब्लम्स,
इंडेक्स डॉट पी एच पी। नहीं यार, मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ जी, ए आर स्किल्स लर्निंग हम टेम्पलेट देते हैं। टेम्पलेट देने तो बेसिकली मकसद है, क्योंकि अगर वो हमसे नहीं तो किसी और बंदे को हायर करके इन्हें फिक्स करवा लें। दूसरे प्लेटफॉर्म जो हैं, विक्स वगैरह, उनकी एसईओ थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनमें लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, ये दूसरे लोगों को वैसे आवाज़ ठीक आ रही है, शायद हो सकता है अमीर हमज़ा खान साहब आपका कोई मसला हो। इंडेक्स डॉट पी एच पी का कोई इशू नहीं है। स्लैश होम, नो इश्यूज। कॉल टू एक्शन इनमें यूज ही नहीं हुए यार। ये जो इतनी ज़्यादा बोल्डिंग की हुई है ना, ये भी मुझे थोड़ी अननेचुरल सी लग रही है। मतलब बड़ा वियर्ड सा लुक दे रही है, ये नहीं होनी चाहिए। वैसे एसईओ का फैक्टर भी है, मतलब एसईओ जिसे भी काउंट करते हैं, ये सिर्फ जिन कीवर्ड्स पे हम रैंक करना चाहें उन्हें बोल्ड करना चाहिए। अननेसेसरी के स्पेलिंग गलत है वैसे, मुझे पक्का यकीन है। हाँ ठीक है। अच्छा, नो सीटीए कॉल टू एक्शन है ही नहीं। उसके बाद मोबाइल पे देखेंगे। काफी हद तक नॉर्मल लग रहा है, कोई इश्यूज वगैरह भी नहीं है। ठीक है। कमेंट्स 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 अलाउ किए हैं, लेकिन किसी ने कमेंट किया नहीं हुआ, वजह से नो कमेंट्स। यहाँ पे ऑथर इन्फो नहीं है, होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब साइट मैप ओपन करेंगे और यहाँ से वही क्रोम एक्सटेंशन है वो करेंगे। ये क्रोम एक्सटेंशन, चेक माय लिंक्स। से लगा देंगे चेक करने के लिए। असल में वियर्ड इसमें ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनमें उन्होंने कुछ पेजेस को नो इंडेक्स किया होता है। मतलब जो जिन पेजेस को वो प्रोटेक्ट कर रहे हो, या ज़्यादा जो जो ज़्यादा पुरानी वेबसाइट होती है ना, मतलब जो आज से 20-25 साल बनी होती हैं। अब अगर आप बीबीसी
डॉट को डॉट यूके की खोले ना, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा अजीब चीजें नजर आ सकती हैं। अब ये देखें, इन्होंने इतनी ज्यादा डायरेक्टरीज जो हैं इन्हें डिसअलाउ किया है, तो हम इन्हें ओपन करके देखते हैं पे यहाँ पे इन्होंने क्या किन चीजों को छुपा के रखा हुआ है, मतलब जिन्हें ये सर्च इंजन को नहीं दिखाना चाहते। अब ये पता नहीं क्या चीज है, चवलियो। अब ये देखें, ये एम्प्टी पेज है, इसको इधर इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, पता नहीं किसके लिए। उसके बाद कुछ ये पेजेस हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, मतलब इनमें ज़्यादा अजीब चीज़ें ना हो, अगर ये इनकी ज़रूरत नहीं है और बिला वजह इन्हें डिसअलाउ किया है तो आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है अरबाज एहसान साहब, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, उसके बाद इसमें नो इश्यूज। उसके बाद सर्च देख लेते हैं आप ठीक काम कर रही है नहीं। क्रॉल इन डेप्थ ठीक है, मतलब 3-4 से आगे नहीं जानी चाहिए। नो इश्यूज, ये असल में डबल दफाए से रिमूव करना होगा। डबल रिट्रैक्ट इशू, उसके बाद इसे थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई प्रोग्रामर वगैरह है तो उसे हायर करके यहाँ पे नीचे कुछ रिलेटेड आर्टिकल शो करवाए जा सकते हैं। उसके बाद आप पैरामीटर्स फोर्स करके देखें, और आप इसे यहाँ से देखते हैं, ठीक ही है, मतलब कोई इश्यूज नहीं है। चेक इफ द वेबसाइट इज लिंकिंग टू लो क्वालिटी वेबसाइट। अब ये ज़्यादातर इश्यूज होता है कि जो न्यू वेबसाइट होती हैं वो ये लिंक सेलिंग वगैरह का काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें ये ज़्यादातर लो क्वालिटी को लिंक कर लें तो उसकी वजह से भी पेनल्टी लग सकती है। आर्टिकल विद ओल्ड डेट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि 2018 का हो या 2012-11 का कोई निकला है। ऑप्ट इन है नहीं, इसे स्किप कर देंगे। रीडायरेक्ट चेंज कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, इसकी टेम्पलेट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर मेरा एक डिटेल ट्यूटोरियल है। मेटा डिस्क्रिप्शन, ई पेजेस वैसे वो होते हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही हो। डुप्लीकेट,
यहाँ पे देखना है कि ये नॉर्मल ही हो, मतलब कोई अजीब सी कीवर्ड स्टफिंग ना की हो। नो इश्यूज। तो इसी के साथ ही आज का ऑडिट का सेशन होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशन इंशाल्लाह मैं इन सारे इश्यूज को फिक्स भी करूँगा। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, टेम्पलेट का लिंक मिल जाएगा आपको। नहीं, उन्हें अलाउ नहीं करना। अगर वो जैसे मैंने बीबीसी का दिखाया है ना, मतलब अगर वो बेकार पेजेस हैं तो आप उन्हें रिमूव कर दें। अगर किसी सही पेज को डिसअलाउ किया गया है, मतलब इसका बेनिफिट है और उसे रैंक भी किया जा सकता है, तो बेशक आप उसे अलाउ कर दें। हाँ जी, ये काफ़ी हद तक रैंकिंग फैक्टर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, और ऐसी चीज़ें भी हैं जो इश्यूज भी, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर पेनल्टीज लगा सकती हैं। जो 90% पेनल्टीज लगती हैं ना, वो सिर्फ ये जो इश्यूज है इस टेम्पलेट के अंदर मेंशनड है, उनकी वजह से लगती हैं। तो अगर आप इन्हें फिक्स करते रहें तो आपकी रैंकिंग भी अच्छी रहेगी और उसे पेनल्टी लगने के भी कम चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर किसी भाई के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। स्पीड तो इसकी माशाल्लाह ठीक लग रही है मुझे। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।